समझ आ गया वचन आज का। हालेलुया। आज जब जब हम नहमिया को देखते हैं, पूरे एक वचन को हम देखते हैं, नहमिया जो एस्तर के पीछे है, वहां पे लिखा है शर्प ना टूटी हुई थी, प्रभु के फाटक जले हुए थे, नहमिया रोता था प्रभु के सामने जाके और राजा के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। और जब प्रभु ने भेजा और राजा ने भी उसका साथ दिया, समझ रहे हो, तो जहां पे फाटक जले हुए थे, यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई थी, वहां के लोगों ने उनकी मदद की, थोड़ी से थोड़ी चीज के खाने के मुताबिक भी, कोई भी उनको सामान चाहिए था वो देने के लिए तैयार थे। आज प्रभु के नाम के लिए आपके आपकी आपकी जिंदगी से कुछ मांगो ना, ये चर्च को चाहिए, सामने पड़ी होगी, नहीं नहीं जी आप पानी दे सकते हैं, ये हड्डे काम आ सकती है। मैं कह रहा हूं जब यरूशलम दिया दीवारा कटिया है, सारे एकता दे बिच आए प्रभु ने भी उच्चा किया, प्रभु ने खुशहाली दी, प्रभु ने चैन दिता। मेरी गल नहीं आने समझते पे हाँ, ये चाहिए मेरे को, कपड़ा थोड़ा सा चाहिए आपके घर से, शायद मनुख के राय प्रभु आपको परखने के लिए आई है कि देखता हूँ ये थोड़ा सा कपड़ा मांगता, ये रुमाल दे दो, नहीं नहीं तो मैंने गिफ्ट होया से हाँ ये नहीं दे सकता, नवा ले आदमी ओए नवे दी नहीं लोड़ है, जो मंगया है वो तो मेरी गल नू समझते पे हो। हाँ कई बार मैं टीम को भेजता हूँ, जाओ फलाने फलाने के घर, ये ऐसी ऐसी चीज पड़ी होगी उसको उसके जा मांगना जाकर मांगना जाकर उसे हालेलुया जान दे रही है जी, छोटी जी चीज ताड़े को दी नहीं जा रही, हालेलुया जान देने तक वफादार है जी, एक रुमाल दिता नहीं जा रहा, मौत आए पता नहीं किनिया गालां कढ़नियां प्रभु हाडे लई रखी आई है, हाडे लई बीमारी रखी सी हां, हालेलुया। मेरे को कई बार हंसी आती है लोगों के जो कहते हैं जान देनी है प्रभु के लिए, कोई चीज मांगो ना, नहीं जी ये दित्ती हुई है कहीं दी, हालेलुया। ऐसा हिरदा करो, मैं कह रहा ऐसा हिरदा करो कि एक एक विधवा के पास एक रोटी थी बच्चे के लिए और अपने लिए, मर जाना था उसने, जब परमेश्वर का दास परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, परमेश्वर उसके बीच होकर बात करते हैं मेरे को रोटी दो, अपनी जान की बिना परवाह करते हुए उन्होंने रोटी दे दी, तो प्रभु ने भी उनको अधूरा नहीं छोड़ा, प्रभु ने भी उनके अनाज में बरकत दी, उनके ऑयल में बरकत दी, तो अकाल में भूखे नहीं रहे, मरे नहीं वो, मेरी बात को समझ रहे हो, हालेलुया। आज का विश्वासी मुंह तो मिट्ठू है, हाँ जान देनी है जी, ताड़े को चर्च चर्च गेट दे लिए ताला मंगया, ये उदाहरण है, ताले चर्च को बहुत है, और रोज टूट दे है, रोज टूट दे है, क्योंकि चाबियां गुम हुंदी है, उदाहरण दे रहे हैं, चर्च का ताला मंगया, नहीं नहीं है नहीं है वो ना, बंटी दे पापा नू बताए, जा राहुल दी मम्मा नू बताए, समझते पे हो, अरे प्रभु मांगने के लिए आया, कुछ छोटी चीज से आपसे परखने के लिए आया, क्या 100 रुपए का ताला है प्रभु, आपके तालों का भूखा है,
मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? क्रिश्चियनों तो सही बनो, हाँ? मैं सोचता हूं नहमिया के टाइम लोगों ने ईंटें भी दी होंगी, जो जो उनके पास आया वो दिया। क्योंकि वो प्रभु को प्यार करने वाले थे, प्रभु के लोग थे, प्रभु के कामों को प्यार करने वाले थे। वो लोग सोचते थे मेरे काम के द्वारा प्रभु के राज्य में कोई रुकावट ना आए, प्रभु के घर में कोई रुकावट ना आए, शुभ समाचार में कोई रुकावट ना आए, इसलिए वो हर चीज प्रभु के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार। एक विश्वासी का घर एक विश्वासी के साथ अटैच होगा, वो भी पूछन जाऊंगा कि ठोकना की ठोक लिए, हाँ करो दिल खोल के जो भी करना है प्रभु दे राज दे मेरा एवी भेंट के ये स्वीकार होगी। मैं बात तो बात प्रभु में दवा जो प्रभु मेरे तो मंगे मैं दवा। मैं चीजा कहना नहीं चाहता लेकिन मैनू गुस्सा भी आता है, हसी भी आती है कि मुंह मियो मिठू, हाँ जान देनी है। पंजा रुपए का ताला नहीं दिता जा रहा है, जान देनी तुम चुंडी वड्डे ते हाय रब्बा कहते हो, थैंक यू जीसस कभी निकलता ही नहीं। हाँ कीड़ी लड़ जाए ना कोई कोई तमूरी लड़ जाए ताडे हाय रब्बा थैंक यू का लांत पाते हो प्रभु दे हाय रब्बा ते की कहना हां जान देनी है मरना जीना प्रभु दे नाल। फिर प्रभु ने चाहा तो मिलेंगे क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। हालेलुया। जो परखने के लिए प्रभु आए अपने दास के दोबारा दे दो भाई, 100 रुपए की चीज नहीं है, उस दे विच भी नाकाम जाप निकल जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ताडा नुकसान करन ले नहीं आंदा, फिर तो कहांगा प्रभु ताडी बर्बादी नहीं चाहता, प्रभु ताडा नुकसान नहीं चाहता, ताडा फायदा चाहता है, ताडी मजबूती चाहता है कि तानू परखे अपनी जान अच्छी रीति नाल करवाओ जो प्रभु करन दे रहा है। अपने हाथ नु उठाओ सब जन, ताडे विचार परखदा है प्रभु, ताड़ी जांच करता है प्रभु, ताड़े कम्मां नूं परखदा है प्रभु, तुसीं किन्ने फलदार हो, किन्ने मजबूती दे विच हो। हालेलुया। एक एक शेड डालना था छोटा सा और ऐसे बहुत कम थे और बारिश आती थी और कई बार रुकावटें आ जाती थी और मेरे पास चेट के टाइट पैसे थे जितने चाहिए थे और बाद में कोई उम्मीद नहीं थी कि क्या होगा। और मेरी एक खासियत है, ये इस चीज की खासियत है कि मेरे को मेरे पास जितना भी हो अपनी जेब खाली कर दो भाई, खाली खाली कर दो, जो भी है प्रभु को दे दो भाई, प्रभु ने भेजा ये तानू देगा मुहैया करेगा। हालेलुया। प्रभु ली करके देखो दिल तो, दे के देखो प्रभु को दिल तो, ना घर भर जाणगे ना डटे, ना आशीषा तुसी आशीषा लेंदे लेंदे थक जाओगे, एनिया प्रभु दे देवे। अपने हाथ नूं उठाओ सब जन, अपने हाथों को प्रभु को अपने, जब तू जांच करने के लिए आए तो जांच में कामयाब हो सको। अपने रुमाल को आगे रखो, ऑयल को साथ में रखो, ऑयल रुमाल, अपने पानी को आगे रखो, अपने प्रभु भोज को आगे लेकर आओ, प्रभु भोज को आगे लेकर आओ जल्दी। Thank you.
भोज में जाए सब जन, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब जन, प्रभु भोज के लिए हम जाएंगे सब जन वर्ष में। याद करते हैं पिता परमेश्वर, तो तुम हमारे लिए करके गया ताकि हम
अच्छे जीवन गुजारे, हम उसको याद करते हैं। हाथों में लो उसे, उस रोटी को माथे से लगाओ, उस रोटी को माथे से लगाओ। थैंक यू जीसस बोलो, तेरा धन्यवाद है जो तूने हमारे लिए सब कुछ किया, अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को सूली दे दिया हमारे लिए, कोड़े खाए। प्रभु ये रोटी तेरा बदन है जो मेरे लिए तोड़ा गया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ऊंची आवाज में बोलो, प्रभु ये रोटी तेरा बदन है, मैं धन्यवाद करता हूँ तूने मेरे लिए दिया, वो सब कुछ मेरे लिए दिया। सामर्थी परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स करो पूरा दिल से, मुख खोल के। ये रोटी पवित्र है, प्रभु का बदन है, इसको अच्छी रीति घर के साथ पूरी पवित्रता में अपने आप की जांच करके लेना है। धन्यवाद करो प्रभु का, याद करो करो कैसे कैसे प्रभु ने आपने ये दुख उठाए हैं। अपने मुंह में रखो और धन्यवाद मांगो प्रभु का। ये प्रभु का बदन है जो आपके लिए तोड़ा गया, ये वो रोटी है जो प्रभु का बदन है जो आपके लिए और मेरे लिए तोड़ा गया। रखो और आप इसे ले सकते हो। और उस समय खून भी, खून से भी आपको खरीदा है, खून दिया उसने, जो आपके पास जूस है खून है प्रभु का, उसे मैं पवित्र करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि जब आप उसे लो, आप एक शक्ति को प्राप्त करो, एक महसूस करो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को, एक पावर को महसूस करो, एक बल को महसूस करो। आप उसके प्याले को लो, उस बोतल को लो, धन्यवाद करो प्रभु तूने कतरा कतरा लहू का मेरे लिए बहाया। मैं इस बात पे विश्वास लाता हूँ, सामर्थी परमेश्वर इस बात पे मैं विश्वास करता हूँ। आप उस बोतल को खोल सकते हो और लो, ये प्रभु का ब्लड है नए नए का, जो आपके लिए और मेरे लिए बहाया गया, बच्चों के लिए बहाया गया, हर एक बंदे के लिए बहाया गया, जो इस पे ईमान लाए वो बचाया जाएगा। लो और धन्यवाद करो प्रभु का। अपनी बोतल को साइड पर रखो, आपके हाथों को उठाओ सब जन। Thank you.
अपने रुमाल को लो, अपने ऑयल को रखो अपने हाथ। जो भी आपके ग्रुप में पेनफुल है, फेथफुल है, पवित्र आत्मा पाया हुआ, अपने हाथ को रखो, अपने हाथों को उठाओ। सदन आपके रुमाल को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु के ब्लड में, आपके ऑयल को मैं कवर करता हूँ प्रभु के ब्लड में, आपके जल को पानी को पवित्र ब्लड में मैं कवर करता हूँ। आज से ये तीनों चीजें प्रभु के लहू में मैं कवर करता हूँ, यहाँ पे भी इस्तेमाल हो आपके विश्वास के मुताबिक, यहाँ पे भी विश्वास किया जाए कि ये प्रभु के ब्लड में विश्वास के द्वारा यकीन किया जाए कि ये प्रभु के ब्लड में कवर है। सचमुच आप इसके लगाने से आप आजादी पाओगे, छुटकारा पाओगे, चंगाइयां पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, सत्य रुमाल को मैं ब्लेस करता हूँ, ऑयल को मैं ब्लेस करता हूँ, वाटर को मैं ब्लेस करता हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस फायर होली गॉस्ट, फायर होली गॉस्ट, फायर होली गॉस्ट। रुमाल प्लस, ऑयल प्लस, वाटर प्लस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस मैं इस रुमाल को ब्लेस करता हूँ, फिर से कवर करता हूँ प्रभु के अभिषेक में, कवर करता हूँ उसके ब्लड में, कवर करता हूँ आग में, कवर करता हूँ तीनों चीजों को आग में, तीनों चीजों को ब्लड में, प्रभु के अनॉइंटिंग में, मसा में इनको कवर करता हूँ। जब भी इस्तेमाल हो आप इसका रिजल्ट पाओ, आप इसका रिजल्ट पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग ऊंची यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग ऊंची। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग ऊंची यीशु मसीह के नाम में। ये तीनों चीजें इस्तेमाल करो, जहां पे भी करने योग्य है करो, यहां पे भी आपको आपको लगता है आप फिर चलो, आपको लगता है यहां पे इस्तेमाल करना चाहिए, आप करो उसे, प्रभु फल देगा, प्रभु उत्तर देगा। इन द नेम ऑफ जीसस होली गॉस्ट फायर। हम आप जब चाहो
पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ उसे इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेशल मीटिंग भी रखी जाएगी, उसकी डेट आपको बता दी जाएगी। सुनो, ये रुमाल ऑयल वाटर इसलिए प्लेस किया है कि आप घर में इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसे अपने पास संभाल के भी रखना है। एक मीटिंग ऐसी अलॉट करेंगे हम, अलॉटमेंट करेंगे जिसमें इन चीजों का प्रयोग होगा और आप ब्लेसिंग पाओगे, छुटकारा पाओगे, चंगाई पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? एक मीटिंग आप ऐसी देखोगे, रुमाल ब्लेस किया है, ऑयल को ब्लेस किया है, वाटर को ब्लेस किया है, इसलिए कि आप घर में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जब मैं मीटिंग को अलाउ करूं, डेट आपको बता दी जाएगी, वो भी ऑनलाइन होगी। तो उन चीजों का हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, मैं आपके पास तो नहीं आ सकता, प्रभु आपके पास है, ये चीजें प्रभु के ब्लेस की चीजें आपके पास है, ये आपको प्रभु के प्रेजेंट का, प्रभु के अभिषेक का प्रूफ देगी कि वो आज भी जिंदा है, काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरी बात को कितने जल्दी समझे। हालेलुया, हालेलुया। कितने जने आज का वचन समझे? फलाने पापा आन दो, फलाने की मम्मा आन दो, फिर दवांगे। ऐसा कुछ नहीं है, जे तुम विश्वासी हो, ठीक है, प्रेयर करने वाले हो, तीन तीन घंटे ले जाओ, कोई गल नहीं। प्रभु कुछ भी चीज परख सकता है, ठीक है, छोटी जी चीज प्रभु ने की करना है। छोटी छोटी चीज प्रभु दी है, तो की ना ले जाना है, हां नाल की ले जाना, सीमेंट इट्टा या पैसे ले जाने, प्रभु दा सारा कुछ ले लिया, दो आपको परखेगा, आपकी मजबूती चेक करेगा, उससे ज्यादा जब आप स्थिर रहोगे, उससे ज्यादा और भी मजबूती आपको ब्लेस करके जाएगा परमेश्वर। आमीन। फिर से मिलेंगे प्रभु ने चाहा। अपने हाथों को उठाओ, उठाओ फिर से। आपके लिए आज के टॉपिक के बीच ही ऐड करो, प्रेस करो उसे। था में रहना वचन को सके पाएंगे उससे पता, था में रहना वचन को सके पाएंगे उससे पता, कामिल बनोगे तुम आनंद समझो परीक्षा हजार, समझो से बता।
जो भी आप बोल रहे हो प्रभु में आप वापस पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम, 100 गुना वापस पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम। और आपको ब्लेस करता हूँ, आपकी ऑफरिंग को ब्लेस करता हूँ। और मेरा विश्वास है आज का वचन आपको और भी ज्यादा निखार देगा, आपकी जिंदगी को निखार के रख देगा। जब कुछ भी चीज प्रभु की महिमा के लिए कोई भी मांगे दे दो, प्रभु उसको देगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, समझो, आंखों को बंद करो, अपनी ऑफरिंग को साइड पे रखो। आप चाहे अकाउंट के ऊपर डाल सकते हो अगर डालना चाहते हो, क्योंकि ये मिनिस्ट्री नहीं है, पैसे की कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। उन जरूरतों में प्रभु की महिमा के लिए आप हो सकते हो, समझ रहे हो? अगर आप सही जगह पे लगा रहे हो तो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पे प्रभु ने आपको बनाया है, ठीक है? आप जहाँ पे खुश रहना चाहते हो प्रभु वहां पे रखे। अपने हाथों को उठाओ, उठाओ आखिरी प्रेयर में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ, पवित्र कर, अनुग्रह कर। सामर्थ्य परमेश्वर, आपका नाम महिमा पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमारे मांगे। जय मसीह की सबको, सबको जय मसीह की, जय मसीह की सबको।